तो अपने आज वीडियो में करने वाले हैं, जैसे कि आपकी जो कई बार आपने देखा होगा आपका ब्रेक पेडल है गाड़ी का वो एकदम फ्लोर पे जाके लगता है, उसका रीजन शेयर करेंगे कि क्या क्या कॉज होता है, आपको क्या चेक करना चाहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको अपने सॉल्व करूंगा मैं। तो पहले आपको कॉज दिखाता हूँ, कॉज में जो मेन चार पाँच हैं वो चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो अपने आगे गाड़ी के अंदर अभी देखो गाड़ी बंद है तो भी आपको मैं दिखाता हूँ इसका कितना है। देखो ऐसे करोगे तो ये देखो इतना चला गया, लगभग फ्लोर को छूने वाला है। तो आपकी गाड़ी चालू करोगे तो थोड़ा और भी दबेगा, ये जाके यहाँ एंड में लगता है ब्रेक। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो चाबी, गाड़ी चालू करते हैं, गाड़ी ले लेनी न्यूट्रल में। सर इधर गाड़ी चालू कर रहे हैं, इधरा गाड़ी चालू कर रहे हैं। बच्चा क्या गाड़ी काफ़ी मत्था रहता है, काफ़ी चीज़ चालू रहती है। अब ये देखो, ये देखो एंड में चला जा रहा पूरा, इतना नहीं जाना चाहिए, फ्लोर को छूने ही वाला है तब जाके ब्रेक लग रहा है। तो इसका रीज़न बताता हूँ, अभी ये आपको मैंने प्रॉब्लम दिखा दी, और ऐसा नहीं है कि ये ऐसे है, ये हमेशा ऐसे ब्रेक मारोगे तो एंड में जाएगा, ठीक है। ये अपनी प्रॉब्लम आ गई, अब मैं इसका इसका आपको सोल्यूशन बताता हूँ। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन में कोर्स चेक करते पहले, सोल्यूशन बाद में करेंगे। हाँ बोलो सबको, हाँ ये ड्राइवर है हैरान करता है, चालू नहीं करना है गाड़ी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ उसका कोच, पहले अपने बोनट खोल लेते हैं, बोनट भी चेक करेंगे और दो तीन चीज़ें आपको बताऊंगा कि जो जिसको आपको इसके अंदर डायग्नोस करनी होती है। तो पहले अपने आ गए इंजन वे में, तो पहला काम करना है इसे लीकेज चेक करना, लीकेज तो है नहीं ऐसा, ये जो है ना मैंने ऑयल टॉप अप किया था तब का है। तो पहला ये चेक करना है, इसमें ऑयल कम, लेवल कम नहीं होना चाहिए, ऑयल कम है तो मतलब ऑयल लीकेज है, या ऑयल कम होने की वजह से भी ब्रेक नहीं आती है, स्पंजी हो जाती है, स्लोपी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ बराबर है, अब चेक कर लो कि विजुअल कहीं कोई पाइप है वहाँ से लीकेज है क्या। तो जैसे ये पाइप हो गई, ये यहाँ से कहीं से लीकेज है क्या, ऐसा कोई लीकेज तो ऐसा विजुअल है नहीं इसके अंदर। तो मेन साइन होगी ये कि ये फिर वैक्यूम का पाइप चेक कर लो, जो वैक्यूम का पाइप है इसमें कहीं लीकेज है ऐसे, ठीक है। तो ये मेन चीज़ आपको सिलेंडर चेक करना है इसके अंदर, यहाँ कोई लीकेज है, ऑयल कम है, फिर वैक्यूम की पाइप चेक करनी है। फिर उसके बाद चेक करो जैसे ऑयल, अगर आपका ऑयल कम है तो समझो कहीं से लीकेज है, तो लीकेज चेक करने में सिलेंडर भी चेक करते हैं। तो जो ब्रेक के अंदर एक कैलिपर आता है वहाँ पर चेक करो, फिर मेन दोनों में चेक करने के बाद एक ये चेक करो, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसके अंदर जो सिलेंडर आता है इसके अंदर जाता है उसकी भी लीकेज दिखती है, यहाँ से दिखेगी या फिर यहाँ ड्रम में से ऑयल अगर लीक होगा तो ऑयल लिखेगा दिखेगा, ऑयल कम होगा तो भी ब्रेक जाके एंड में लगती है। अगर ये सब साइन आपके अंदर नहीं है, सब ठीक ठाक है, तो आपको बता दूँ प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम इस सिलेंडर के अंदर है, मास्टर सिलेंडर के अंदर, ठीक है। जो इसमें दो वाल आते हैं जो पुश करते हैं इसके अंदर ऑयल, उसमें से वाल कट गया होता है या फिर इसे स्लज टाइप का जम जाता है, क्योंकि जो इसने मेरे में डाला है ये सिलेंडर, ये पुराना है, अगले साल डाला था लेकिन गाड़ी खड़ी थी तो उसमें तभी प्रॉब्लम आता है। मेरे उसके अंदर सी प्रॉब्लम आ चुकी है, मेरी एवेंजर के अंदर, वो भी गाड़ी काफ़ी दिन खड़ी थी, स्लज बन गया था उसके अंदर और उसके ऑयल जो रबड़ सिलो कट गया था, इसमें भी ये प्रॉब्लम है। इसका दो सोल्यूशन है, ये पूरा सिलेंडर नया मिलता है, आप पूरा नया सिलेंडर ला के डाल दो ये, ठीक है, बोलेरो का ही लगता है, या फिर क्या बोलते हैं इसकी रिपेयरिंग किट भी आती है अपने बोलेरो की, तो आती है, बाकी गाड़ियों का पता करना पड़ेगा, आती तो सबकी होगी लगभग रिपेयरिंग किट, ठीक है, आपकी मर्जी, फिर इसको अपने रिपेयर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये तो मैंने आपको कोज बताया, इसमें कोज क्या हो सकता है आपका, अगर ब्रेक पूरा स्पंजी है, स्पंजी मतलब पूरा जाके फ्लोर पर लग रहा है, उसके रीज़न में ये सब चीज़ें हैं, इसमें मेन फैक्टर है यही मेन, ये इसमें प्रॉब्लम है, इसको अपने आप करेंगे रिपेयर अगले वीडियो में, ठीक है। बने रहो आप मेरे चैनल पर, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा उस चीज़ को। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दो, आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।